सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूं आपका दोस्त शिवांश मसीन। तो आज हम बात करेंगे कि 2 मई को निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करके चलना है, कौन से स्टॉप लॉस, कौन से टारगेट्स हमें बनाने हैं, कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए जो ऊपर या नीचे जाके आपको आउट परफॉर्म प्रॉफिट देंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि अभी जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है प्रीवियस, उसमें जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे RBL बैंक, डेली बिल्टकॉन, ONGC, बर्जर पेंट्स और अवध शुगर्स, तो ये 5 स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे और बताया था कि शुगर सेक्टर और ऊपर जा सकता है तो कोई भी स्टॉक्स में आप उसमें बाय कर सकते हैं जो फाइनेंशियली और ट्रेंडली ऊपर जाते हैं जब कोई शुगर सेक्टर में न्यूज़ आती है। तो अवध शुगर मैंने आपको बताया था और उसने बिल्कुल कंसिस्टेंटली हल्के हल्के करके ऊपर के लेवल्स बनाए और हमें टारगेट्स अचीव होते हुए दिख गए और आपने प्रॉफिट कमाया होगा। तो 5 स्टॉक्स में से हमें 4 स्टॉक्स के तो टारगेट अचीव हो गए थे। एक बर्जर पेंट्स का मैं टारगेट पहला वाला अचीव हो पाया क्योंकि 285-286 के ऊपर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके ऊपर नहीं निकल पाया। और अगर हम बात करें RBL बैंक की तरफ तो RBL बैंक ने बिल्कुल ऑपोजिट मूव दिया। तो हम बात करें RBL बैंक ने ऑपोजिट मूव क्यों दिया, तो हमने देखा था कि बैंक का जो रिजल्ट आया था बहुत अच्छा आया था और बैंक कंसिस्टेंटली 2 वर्किंग डेज से ऊपर की तरफ अपने लेवल्स बनाया जा रहा था। तो लोग, आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर बैंकों में ज़्यादा लोग अपनी पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं और अगर कोई बना रहे हैं तो उन्हें लगता है कि पर्टिकुलर न्यूज़ आएगी तो वहाँ से शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। तो वही RBL बैंक में हुआ। मैंने आपको न्यूज़ के बेसिस में बताया था कि इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं और चार्ट्स में भी ऊपर लग रहा था कि वो और ऊपर जा सकता है, पर हमने देखा कि जब वो न्यूज़ आई कि इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, NPA भी डिक्रीज़ हुआ है, तो लोगों ने वहाँ से शॉर्ट करना शुरू कर दिया और जितनी भी पोजीशंस बनी हुई थी वो सारी उन्होंने एग्जिट कर ली और हमने देखा कि RBL बैंक शुरुआत से ही नीचे गिरना शुरू हो गया। तो पहले जो मैंने अपनी वीडियोस में आपको मैंने SBI लाइफ के बारे में बताया था वही बिल्कुल सेम RBL बैंक की तरफ हुआ, पर हम देख सकते हैं कि ना हमारा टारगेट अचीव हुआ और सीधा स्टॉप लॉस में जाके इसने अपनी ओपनिंग करी, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि आपने इसमें बैंक पोजीशन बनाई भी होगी। तो अब बात करते हैं कि कल यानी 2 मई को मई की सीरीज शुरू हो गई है, तो मई में कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल बेसिस के ऊपर बनाया है कि क्या मई में ऐसे चीज़ें आने वाली हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये पर्टिकुलर शेयर ऊपर जा सकते हैं। बहुत से ऐसे सिनेरियोज बने हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मई में ये पर्टिकुलर 5-6 स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं और रिटर्न दे सकते हैं, तो वो भी वीडियो में आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा मई के अंदर अंदर ही। अगर हम बात करते हैं कल कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, तो वो है लार्सन एंड ट्यूबो, SPTL मतलब सिंटेक्स प्लास्टिक टेक, हिंदुस्तान जिंक, ग्लेनमार्क और बलरामपुर चीनी। तो यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा टेलीग्राम चैनल लिंक, तो गाइज मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। अगर अभी आपने वीडियो पॉज करके डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके देख सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहूंगा, जो मैंने आपको ये लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसमें सब लोग ऐड हो सकते हैं, किसी के लिए भी कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ऐड हो सकते हैं। और अब मैं जो 10 मई यानी 12 मई को जो मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि 15 मई से मैं पेड सर्विस शुरू कर रहा हूँ और शायद मैं अपनी कुछ वीडियोस को भी पेड करूं जो यूट्यूब में है, कॉस्टली अराउंड आप समझ सकते हैं आप जो डेली एक्सपेंसेस करते हैं उससे भी आधी लिमिट में होगा वो वीडियो की कॉस्ट, अराउंड आप समझ सकते हैं 30-50 रुपीज पर वीडियो होगी वो। तो आप पेटीएम के थ्रू दे सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। और मैं अगर आपको बताऊँ तो अगर मैं अपना दूसरा टेलीग्राम चैनल भी बना रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ पेड सर्विस जो लेना चाहते हैं उन पीपल को ही अपने उस चैनल का लिंक दूंगा और उन्हें ऐड करूंगा, या वो मुझे इस चैनल के लिंक के थ्रू मुझे बता सकते हैं व्हाट मैसेज करके। तो गाइज अभी आपने अगर अभी तक इस चैनल के लिंक को अभी तक क्लिक नहीं करा तो पहले जाके क्लिक करिए और मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए। कल तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि कल मैं बहुत बिजी हूँ, परसों से मैं आपको कॉल्स देना शुरू कर दूंगा और अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो वो भी मैं आपके उसी चैनल के अंदर क्लियर करना शुरू कर दूंगा।
तो अब बढ़ते हैं कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो एलएनटी की बात करें, बाय करने की सलाह दी जाएगी 1410 1427 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 1387 का लगा के चलना होगा। करंट मार्केट प्राइस आपको यहाँ पर शो कर रहा है। एलएनटी की बात करें तो शायद इसमें कोई एक न्यूज़ आई है जो मैं देख पा रहा था, पर वो न्यूज़ मैंने ठीक से पढ़ी नहीं है, ना मैं पढ़ पाया हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वो नेगेटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर वो न्यूज़ के चलते ये स्टॉक नीचे गिरता है तो आप इसमें अपनी बाइंग पोजिशन बिल्कुल ना बनाइए। इसलिए पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको वॉच करके चलिए, और अगर इसमें पोजीशन बनना है, इसमें न्यूज़ जो पर्टिकुलर आई है वो पॉजिटिव साइड में आई है और बाय भी मैंने आपको रिकमेंड किया है, तो आप ऊपर के लेवल्स बना सकते हैं। सिंटेक्स प्लास्टिक बाय करने की सलाह दी जाएगी इसमें 54.70 56 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 52.50 का लगा के चलना होगा। हिंदुस्तान जिंक सेल करने की सलाह दी जाएगी 323 318 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 331 का लगा के चलना है। ग्लेनमार्क बाय करने की सलाह दी जाएगी। ज़्यादातर अगर हम फार्मा सेक्टर्स की बात करें तो ज़्यादातर स्टॉक्स भी और अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो डिवीज लैब भी और अच्छे परफॉर्म कर सकता है। हेक्सावेयर तो अब नीचे आ चुका है, तो आप इन स्टॉक्स में भी आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बलरामपुर चीनी जो मैंने आपको बताया था बाय करने की सलाह दी जाएगी, जब मैंने बताया था कि मैंने आपको, और न्यूज़ ने अभी तक वो क्लेरिफाई नहीं कराई कि 5% का शुगर में सेस लग सकता है। अभी जीएसटी की बैठक भी है, तो अब शायद मार्केट जब ओपन हुए तो वो न्यूज़ आए, और इस वजह से जो बलरामपुर चीनी है, जो और पर्टिकुलर शुगर सेक्टर के अंदर स्टॉक्स हैं, वो और आउट परफॉर्म कर पाए। टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो बलरामपुर चीनी में मुझे ज़्यादा मोमेंटम लग रही थी, तो मैंने आपको उसमें बाय की सलाह दी है 71.80 74 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 68.70 का लगा के चलना है। मैंने आपको टारगेट आप देख सकते हैं बहुत दूर का बताया, इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर 72 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो शायद क्रॉस करने में दिक्कत आ जाए। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो अब मे की सीरीज शुरू हो चुकी है, अब हमें क्या डिसाइड करना है, क्या रेंज बन सकती है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन और चार्ट्स की बात करें तो ये एक रेंज बन के आ रही है कि 10,600 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगी शायद इस सीरीज के अंदर, और 10,900 या 11,000 के लेवल तक बढ़ने की कोशिश करेगी। तो अब मैं आपको बताऊं तो 10,750 एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, स्ट्रॉन्ग भी नहीं कहे, एक सिंपल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जिसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वरना उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो उसके ऊपर निकलेगा तो हम 10,800, अगर मैं आपको बताऊं तो 10,800 के ऊपर निकलता है तो हम उसी यानी अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर ही 10,900 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बीच में कोई हर्डल नहीं है, कोई भी हमें बाहरी पोजीशंस बनते हुए दिख रही है। 10,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। इस रेंज के पास अगर आपको कहीं भी चीज मिलती है तो वहां से आप बाय या शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी पे, यानी कि अगर 10,600 के आसपास आपको मिलता है तो आप वहां से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। 10,900 10,850 या 11,000 के आसपास मिलता है तो आप वहां से अपनी शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको नीचे शो कर रहा होगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,400। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आपको अपने चार्ट्स में दिखाया था कि वो एक रेंज बन गई थी 25,000 से 25,400, जो बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और 25,440 का जो मैंने आपको बताया था कि डबल टॉप बनाया था उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा था, और मैंने आपको जो न्यूज़ में वीडियो भी दिखाई थी उसमें भी आपको बड़े बड़े एनालिस्ट ने सजेस्ट करके बताया था, तो वो लेवल को क्रॉस करके जब ये सस्टेन कर पा रहा है तो अब ये एक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। अगर बैंक निफ्टी 25,400 को नीचे करके क्लोजिंग देती है तो हम कह सकते हैं वो रेंज वापस शुरू हो गई है और शायद इसके ऊपर निकलना और मुश्किल हो जाए। ऑप्शन चेन की बात करें तो 25,100 या 25,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डाउनसाइड की साइड, अगर 25,400 को क्रॉस करती है तो, और अपसाइड में 25,900 या 26,000 ओपनली खुला हुआ है बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर। तो इनमें आप अपनी पोजीशंस बना के रखिए, जिसके पास मिलता है मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताते रहूंगा। कल है एक्सपायरी, तो मैं आपको बता दूं कल या परसों एक्सपायरी है, परसों एक्सपायरी है, तो कल मैं आपको बताऊंगा आपको एक्सपायरी में क्या करके चलना, कैसे आप बैंक निफ्टी निफ्टी से और ऊपर के लेवल्स कमा सकते हैं। तो गाइस अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लिंक में जाके क्लिक करिए और मेरे चैनल पे ऐड हो जाइए, और अगर आपको वीडियो में पेड सर्विस के लिए आप रेडी हैं, या मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ अमाउंट जो होगा 30-50 रुपीज़ होगा इस वीडियो का, जो भी 15 मई से शुरू हो जाएगा, यानी उससे पहले भी शुरू हो सकता है पर वीडियो जो आपको मैं यहाँ यूट्यूब में शो करता हूँ। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और बताना आपको पड़ेगा क्योंकि मैं आपके रिकमेंडेशन पर ही बताऊँगा, बनाऊँगा और सोचूंगा
और अगर किसी को वो पेड सर्विस नहीं चाहिए तो आप उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी बता सकते हैं। और एक बात और, अगर आपको मेरी पेड सर्विस चाहिए जो वीडियो के अलावा जो मैं आपको व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू बताऊंगा 15 मई से जो नया टेलीग्राम चैनल पेड बन रहा है, तो अगर आपको उसमें अपना लिंक डलवाना है, अपने आप को ऐड करवाना है, तो भी आप अपना नाम लिख के मुझे बता सकते हैं, येस आई एम रेडी और मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आपके साथ पेड सर्विस। तो मैं आपको फिर रिप्लाई करके आपके साथ सारी चीज़ें शेयर जरूर करूंगा, पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए जो भी मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं। और अपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको ये स्पेसिफिक वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा है अभी भी। और कमेंट करके जरूर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आप लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस हर दिन पा पाएंगे। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। साइनिंग ऑफ।